नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। जी हाँ, कर्मचारी चयन बोर्ड का एक और कैलेंडर यहाँ पे जारी हुआ है, उसमें यहाँ पे अपडेट सामने आ रही है सीईटी एग्जाम को लेकर और लैब असिस्टेंट एग्जाम को लेकर। जी हाँ, लैब असिस्टेंट की एग्जाम को डेट में यहाँ पे संशोधन हुआ है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बदली हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक सीईटी एग्जाम क्या है और ये कब आयोजित होगा, इसकी तिथि यहाँ पे जारी कर दी गई है दोनों लेवल के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए और ट्वेल्थ लेवल के भी। इसके वीडियो मैंने आपको पहले अवेलेबल करवा दिए हैं कि सीईटी क्या है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में अगर सरकारी जॉब आपको लगना है अब तो कुछ वैकेंसियों के लिए यहाँ पे आपको सीईटी देना होगा। अब कौन कौन सी वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पे सीईटी देना होगा, तो इसको वीडियो मैंने आपको पहले अवेलेबल करवा दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देखेंगे। वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। तो एक चीज़ ध्यान रखें, राजस्थान में अगर आपको सरकारी जॉब लगना है तो सीईटी का एग्जाम देना होगा। अब ये सीईटी जो एग्जाम चालू किया है यहाँ पे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो लेवल पे होता है। ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ, तो यहाँ पे दोनों की क्या तिथि है इसके बारे में बात करेंगे। और लैब असिस्टेंट एग्जाम, इसकी तिथि में क्या संशोधन हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं सीईटी एग्जाम के बारे में। जी हाँ, सीईटी एग्जाम राजस्थान में पहली बार आयोजित करवाया जा रहा है। यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल को लेकर अपडेट आई है। जी हाँ, ग्रेजुएशन लेवल की ध्यान रखें, ग्रेजुएशन लेवल के वालों का सीईटी 2022 के दिसंबर माह में आयोजित होगा। ध्यान रखें, ग्रेजुएशन लेवल की जो भी वैकेंसी हैं, जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं उनमें देखेंगे आप कौन कौन सी वैकेंसी में आपका जो ग्रेजुएशन लेवल इसमें शामिल है सीईटी के लिए, उन वैकेंसियों में आपको अगर नौकरी लगनी है तो पहले क्या डायरेक्ट एग्जाम देने जाते थे, फॉर्म भर देते थे और सीधा एग्जाम देते थे। लेकिन इस बार क्या है, फॉर्म आप मुख्य परीक्षा में आप तभी बैठ पाएंगे जब आपका सीईटी क्लियर होगा। तो ये ध्यान रखें, सीईटी के लिए आपको जो सीईटी जो एग्जाम आयोजित होगा वो दिसंबर 2022 में आयोजित होगा। तो जल्द ही इसका पैटर्न भी जारी कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, एक नोटिस आप देख सकते हैं जिसमें सारी भर्तियों के बारे में आपको डिटेल से दी हैं। इसमें क्या है, दिसंबर में तो दे रखा है आपको, दिसंबर में आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए, और जो ट्वेल्थ लेवल जो वैकेंसी होती हैं जिनमें सीईटी लागू किया गया सरकार द्वारा, जैसे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाले समय में जो आएगी, तो उसके लिए भी आपको सीईटी देना पड़ेगा। तो वो जो सीईटी जो देना होगा वो ध्यान रखिए, ट्वेल्थ पास वैकेंसी है तो आपको फरवरी पहले होगा सीईटी। ध्यान रखिए, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी हो या फिर ट्वेल्थ लेवल जो भी वैकेंसी है उनमें पहले सीईटी होगा, वो फरवरी 2023 में होगा, उसके बाद में आपके लिए मेन वैकेंसी आएगी, ये ध्यान रखें। तो पहले सीईटी आपको क्लियर करना है, तो सीईटी जो करना है ग्रेजुएशन लेवल के लिए दिसंबर माह में और ट्वेल्थ लेवल के लिए फरवरी माह में। तो ये अपडेट सामने आई है कर्मचारी चयन बोर्ड के नए कैलेंडर में, इन चीज़ों को संशोधन वहाँ पे किया गया, डेट यहाँ पे जारी किया गया, मंथ केवल जारी किया, डेट बाद में आएगी। अब इनका जो पैटर्न है सीईटी एग्जाम जो होगा, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस हिसाब का पेपर पैटर्न रहेगा, नेगेटिव रहेगा नहीं रहेगा, तो इन चीज़ों के बारे में जो डिटेल्स आने वाले समय में आएंगी तब आपको बताएंगे। अभी जो अपडेट एक सामने और आई है उसके बारे में बात करते हैं, लैब असिस्टेंट एग्जाम। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम, बड़ा एग्जाम, यहाँ पे ट्वेल्थ लेवल की वैकेंसी है। तो अभी जो इसका फॉर्म भरे गए, तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थी, और इसकी डेट भी यहाँ पे जारी कर दी गई, दो तीन बार डेट में इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है पहले भी, लेकिन अब क्या आया है, जो फाइनल नोटिस आया है उसमें, नोटिस में आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है फाइनली कि लैब असिस्टेंट एग्जाम का यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है उसके सामने लिखा हुआ है संशोधित। जी हाँ, बिल्कुल डेट में यहाँ पे बदलाव किया गया थोड़ा सा, कि जो लैब असिस्टेंट के जो सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखें, लैब असिस्टेंट में एक तो साइंस हो गया, ठीक है, एक हो गया ज्योग्राफी, एक हो गया होम साइंस, तीनों चीज़ें आपके सामने हैं। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में जो विषय आपको दिए गए हैं, ध्यान रखें, साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस, ये तीनों विषय के लिए अलग अलग डेट आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेट आई है, संशोधन जो किया गया इस डेट को लेकर, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखें, साइंस का जो अभी जो डेट फिक्स हुआ है ये ध्यान रखें आप, 28 और 29 जून, यानी कि दो दिन आपकी साइंस वालों की एग्जाम होगी, किसी का पहले दिन आ सकता है, किसी के दिन, किसी का 28 को आ सकता है, किसी का 29 दिन को आ सकता है, ये ध्यान रखें। और दो पारियों में आपकी एग्जाम होगी, तो किसी का पहले पारी में होगा, किसी का दूसरी पारी में होगा, इस हिसाब से आपका एग्जाम हो जाएगा साइंस वालों का। ज्योग्राफी वालों के लिए 30 जून, और ठीक ऐसे ही होम साइंस वालों के लिए भी 30 जून। तो ये तीन दिन में, जहाँ पहले दो दिन में लैब असिस्टेंट एग्जाम खत्म होने वाला था, इस बार तीन दिन में एग्जाम
खत्म करने का सोचा है। 28 से 30 तक चलेगा, पहले 28 और 29 दो ही डेट दी गई थी, लेकिन अब अलग अलग कर दिया है बीट को देखते हुए या फिर जो भी है, लेकिन यहाँ पे लैब असिस्टेंट एग्जाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे ही अपडेट्स आपको सीईटी एग्जाम्स को लेकर हो, जो आने वाले समय में आएंगी अपडेट्स, जिस हिसाब से आपका पैटर्न आएगा आगे, एक बार में सीईटी कैसे क्लियर हो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ टिप्स मिलेंगी और पैटर्न को लेकर भी पूरा समझाया जाएगा, जिससे आपको बार बार यहाँ पर सीईटी देना नहीं पड़े। एक बार आप सीईटी क्लियर करेंगे उससे आपको सरकारी नौकरी फिर आने वाले समय में भरेंगे फॉर्म, उस नौकरी के लिए फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल कठपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तथा ध्यान रखें, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल कठपुतली एजुकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, तथा हमारे चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। ध्यान रखें, ज्वाइन आपका अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पर कठपुतली एजुकेशन सर्च करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।